बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज आप सबकी वजह से ही हम लोग 5K सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। इसमें पहुंचने में यार मुझे बहुत टाइम लगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, कम 1.5 साल से ऊपर मुझे लग गया 5K सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। और आप सबका प्यार और आगे ऐसे बना रहे मेरे ऊपर, प्लीज वीडियो को डेली देखे, पूरा वॉच करे, और जो नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम 5K सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं और चाहेंगे और आगे बढ़ने के लिए। तो 5K स्पेशल में आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी टिप्स बात करने की जो आपके हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगी ही आएगी। तो टिप नंबर 1, आप बात करते करते बीच में बातें छोड़ डालते हैं। आपको बात करनी होती है लेकिन आप आगे बात नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता बोलने का। टिप नंबर 1 है लॉन्ग टाइम टॉक। आप किसी से लंबा बात कैसे करें बिना मतलब कि हम कोई बात तो कर नहीं सकते यार। तो जब भी आप बात करें और उनसे किसी भी टॉपिक पे कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि मैं मुंबई गया था, तो बात को सिर्फ यहाँ पे खत्म मत कीजिए कि मैं मुंबई गया था। आप बोलिए वहाँ मैंने ये देखा। क्या आप कभी मुंबई गए हैं या आप किसी भी अदर बाहर घूमने गए हैं जिसके बारे में आप मुझे छोटा मोटा कुछ बताइए। जैसे शायद हो सकता है कि सामने वाला आपको अपने बारे में बताए कि हाँ मैं भी यहाँ गया था, मुझे भी ये जगहें पसंद है। उनकी बातों से छोटे छोटे पॉइंट उठाकर आप उनसे फिर से वही सवाल करेंगे तो इससे आपकी बात लंबी हो जाएगी। जहाँ पे आप थोड़ी लंबी बात करना चाहते हैं वहाँ पे आप बातों को खींच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके बस बोलने के लिए कुछ मत हो। सेकंड आता है किसी भी अनजान आदमी से कैसे बात करें कि आप जल्दी उनसे फ्रेंडली हो पाएं। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है वोकैबुलरी। अगर आप किसी भी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आप उनके वोकैबुलरी में से कुछ छोटे छोटे वर्ड यूज कर लीजिए। जैसे कि बात करते वक्त अगर वो यस की जगह यप का यूज़ करते हैं, YUP यप, तो आप भी अपनी यस की जगह एक दो जगह उसका यूज़ करें। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी पूरी वोकैबुलरी छाप दें, जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल वो बोलें। ऐसा बोलेंगे तो लगेगा कि आप उनकी कॉपी कर रहे हैं और मामला और बिगड़ सकता है। तो कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जो बीच बीच में आते रहते हैं उनको आप हल्का सा कॉपी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप लोग का बॉन्ड अच्छा बनेगा। थर्ड और सबसे स्पेशल ट्रिक, कॉन्फिडेंस। या कभी भी किसी से बात करो, टीचर से बात करो, सर से, मैम से, ऑफिस में, बॉस से, कहीं पे भी अगर आप बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। आप आई कॉन्टैक्ट बना के ही बात करें हमेशा, तो उससे आपकी बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। लेकिन आप आई कॉन्टैक्ट बनाना इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको घूर के देखते रहें। ऐसा करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा और बहुत बेकार लगेगा। और गलत बात पे अड़े मत, ये सबसे गंदा काम होता है। अगर आप गलत बात पे अड़ जाते हैं तो ये सबसे बेकार होता है और इससे आपका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही बात आपकी गलत हो तो आप सॉरी बोल के पीछे हट जाइए, लेकिन अड़िए मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 5K हुए हैं, जल्दी जल्दी 50K जाने हैं।